ऐसे ऐसे बच्चे एसएससी जीडी में लगे हैं पिछली बार, जिनके पिताजी, बच्चों का कल कॉल आया, जिनके पिताजी फलों की रेडी लगाते हैं उसको उसमें चाट बेचने की, क्योंकि फल खरीदने के पैसे नहीं है कि फलों को बेच सके, फलों की चाट बना बना के बेचते हैं। कल उनका फोन आया था, आंखें नम हो गई थी बच्चों। और सोच के देखिए, उस घर में से जो बता रहे थे रो रो कर कि 20 से 25 रुपए की किसी दिन तो इतने ही कमाई हो पाती है कि शाम को पेट भर खाना नहीं मिल पाता है उन पैसों से, और रोज का जितना इतना ही कमा पाते हैं कि शाम को रोटी खा सके, और कई बार उतने भी नहीं कमा पाते। उस घर से जब एक लाल निकला है, और वो भी CISF लेकर के, पिछली बार की बात बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ की ये स्टोरी है, आंखें नम हो गई थी हमारी, लिटरली रोने लगे थे जब मैनेजर ने मुझे उनके बारे में बताया। उन्होंने वो कॉल सुनी थी क्योंकि मैं ऑफिस में था अपने, तो मैं नहीं सुन पाया था, वरना मैं खुद बात करता उनसे। तो बच्चों, ऐसी ऐसी कंडीशन में जब जॉब देते हैं ना, तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें कर रहे हैं आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी, ये पैसा वैसा यार सब सेकेंडरी चीजें हैं, जरूरत हो सकती है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है, ये किसी की भी जरूरतें हो सकती हैं, आपकी भी, आप नौकरी लग रहे हो तो पैसे के लिए, ठीक है, ये जरूरतें हो सकती है। लेकिन जो असली खुशी है ना बच्चों, वो उसी माँ बाप के शब्दों में जो कह रहे थे बार बार कि आपने हमें इस नरक से निकाल दिया। वास्तव में बच्चों, जब सोचे, मैं नमन करता हूं उस माँ बाप को, उन माँ बाप को नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस कंडीशन में रहकर भी जवान बेटे से नहीं कमवाया, कहा बेटा तू पढ़ ले, कोई बात नहीं, 150 रुपए की जो भी सेल होगी करके तेरा पेट तो भर देंगे, चाहे खुद भूखे रह जाए। मैं नमन करता हूं उन माँ बाप को इस मंच से। तो बच्चों, ये सोचिए आप कितनी बढ़िया स्थिति में, यार कोई कहता हो, अपनी स्थितियों को कोसता हो, एक बार सोच करके देख लीजिए, उस बच्चे ने भी तो पढ़ाई की है ना यहीं से, वो भी तो नौकरी लगा है ना बच्चों। तो आपके सामने सिचुएशंस तो बहुत अच्छी हैं, उसके सामने यार कभी लगे ना मैं गंदी सिचुएशन में रह रहा हूं, अपने से नीचे वाले लोगों को देख लिया करो, आपसे भी बहुत बदतर हालत में रहते हैं लोग, आपको लगता है ना मैं ही हूं बस दुनिया में अकेला, सोच लिया करो मेरे पास क्या क्या है, उससे संतुष्टि मिल जाएगी आपको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं, रोटी भी नहीं है यार, और ऐसे लोगों तक मदद पहुंचती हो तो वास्तव में बच्चों दिल यहां से भर जाता है, और फिर लगता है कि यार इससे बेहतर काम नहीं हो सकता जो हम कर रहे हैं। और ऐसे जीडी की बच्चों, मैंने पहले भी बोला है, गरीब बच्चों की नौकरी है, वास्तव में उन लोगों को लगाती है जहां पर, क्योंकि इसको, और लोग तो ये सोचते हैं यार इतनी मेहनत कौन करेगा, अमीर लोग ही तो बात सोचेगा इतनी मेहनत कौन करेगा, गरीब क्या सोचेगा, यार मुझे पैसे की जरूरत है, कहीं भी मिल जाए सरकारी नौकरी मैं तो कर लूंगा, भाग के जाऊंगा, ठीक है, वर्दी का शौक है बिल्कुल, देश के लिए वो भी पूरा करूंगा।